हेलो, वेलकम बैक माइक के ड्रामा म्यूजिक चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 15 को। गाइस, इसके ऑलरेडी 14 एपिसोड्स आ चुके हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप इजली उन बाकी के एपिसोड्स को देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस एपिसोड को देखने से पहले आप बाकी के एपिसोड्स को देख लीजिए, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अपना एपिसोड शुरू करते हैं। वेट, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जुंजे को ये सब कुछ सुनाई आता है कि जलप्रिय अपने मन में सोच रही होती है कि जुंजे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ही मेरी हार्ट बीट चलती रहेगी, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। इस पर जुंजे उसे पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम और तुम्हें क्या होने वाला है। तो तभी जलप्रिय उससे पूछते कि क्या तुम्हें मेरी मन की बातें सुनाई दे रही है। तो इस पर जुंजे कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है और क्या होने वाला है जो तुम्हारी हार्ट बीट्स बंद हो जाएंगी। तो जलप्रिय कहते हैं, तुम मुझे बताओ कब से तुम मेरी मन की बातों को सुन पा रहे हो। जलप्रिय वहाँ पर जुंजे से सवाल करती है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। तो इस पर जुंजे कहता है, हाँ मुझे सब पता है और मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद आ गया है किस कमीनी ने इस पेड़ में तुम्हारे ऊपर छाता पकड़ा था, तुम्हारे लिए रेमिजेस बनाई थी और यहाँ तक कि किसने तुम्हारे इस बैंगल को चुराने की कोशिश की थी। वो आगे जलप्रिय से कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं ही था वो लड़कीबाज, और हाँ तुमने मुझे इस पेड़ में बचाया था जब हम पानी में गिर गए थे, तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने मेरी मेमोरीज इरेज कर दी थी किस करके मुझे। इस तरह से वो उसे कहता है और फिर कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या बात है और तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारी धड़कनें बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगी। वहाँ पर फिर जलप्रिय जुंजे से कहती है कि मेरा एक टाइम लिमिट है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं ठीक रहूँगी और ज़िंदा रहूँगी, मेरा दिल काम करता रहेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी और के साथ फिर से मतलब नई शुरुआत नहीं कर सकती हूँ। आगे कहती है जुंजे से कि मैं तुमसे ऐसा कोई भी वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे बाद किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे जी सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे बाद जीना इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। आगे जलप्रिय कहती है कि जलप्रिया यानी कि मरमेड सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकती है, अगर वो इंसान उन्हें छोड़कर चला जाए या फिर वो मर जाए तो उसके बाद वो जलप्रिय भी मर जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद जुंजे एकदम अपने आप को ही मतलब कोसने लगता है और अपने आप को ही गलत कहने लग जाता है कि ये सब कुछ मतलब कि जो भी तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम्हारी जान जाती है तो वो सब कुछ मादिया के कारण नहीं बल्कि मेरे कारण होगी। वहाँ पर जुंजे कहता है कि तुम्हारी मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि मैं ही बनूंगा। ये सब कहते हुए जुंजे काफ़ी अपसेट होता है। तो वहाँ पर जलप्रिय उससे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं है, तुम प्लीज़ ऐसे अपसेट मत हो और अपने आप को जिम्मेदार मत मानो। इन सब से जलप्रिय भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, तो वो अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि बालकनी में जुंजे सोच रहा होता है पास्ट के बारे में। तो वहाँ पर नामदो आता है और नामदो जुंजे से कहता है कि ये जलप्रिय इतना क्यों रो रही है अपने कमरे में, अगर तुम्हें उसका दिल तोड़ना है तो उससे पहले तुम उससे ब्रेकअप कर लो। इस बात पर जुंजे नामदो से गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं जलप्रिय से ब्रेकअप कर लूँ और उससे दूर हो जाऊँ। फिर वो वहाँ पर याद करता है कि किस तरह से डॉक्टर भी उससे कहता है कि अगर तुम उस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो तुम उसे वहाँ पर वापस भेज दो जहाँ से वो आई है। जुंजे आगे कहता है कि वो जब यहाँ पर आई थी तो वो अपने लालच की वजह से यहाँ पे आई थी, लेकिन उसे मैंने यहाँ पर अपने लालच के लिए रखा था। जुंजे आगे कहता है कि मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ उससे आंसू ही दिए हैं, लेकिन मैं अब उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे अपने कमरे में अंदर चला जाता है। फिर जब वो अपने रूम में आ जाता है तो जलप्रिय देखती है कि वो रूम में आ गया, तो जलप्रिय ऊपर से नीचे आ जाती है और आकर जुंजे से कहते हैं कि जुंजे मुझे तुम कुछ बताना है। वो आगे कहती है कि जुंजे जब आज दोपहर में घर पर कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी, तो मैंने उस समय का फ़ायदा उठाकर अपने
को स्विमिंग करने के लिए, मतलब मैं पानी में उतर गई थी तो मैं अपने असली रूप में आ गई थी उस समय, लेकिन तभी वहाँ पर नामदो आ जाता है। आगे वो कहते हैं कि फिर मैं वो काफ़ी डर गई थी कि नामदो को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए मैंने नामदो की मेमोरीज़ को इरेज कर दिया है। यह बात जलपरी जुंजे से कहती है, तो फिर इस पर जुंजे उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है तुमने सही किया। फिर जलपरी जुंजे से सवाल करती है, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे कि मैं मरमेड हूँ, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही, क्या तुम मुझे मतलब अब पसंद नहीं करते? आगे जलपरी उसे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं एक जलपरी हूँ यानी कि मरमेड हूँ? इस पर जुंजे उसे कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि तुम एक अजीबोगरीब लड़की हो। फिर आगे जुंजे कहता है हाँ बस फ़र्क इतना है कि तुम एक लड़की नहीं हो, तुम एक मरमेड हो। इस पर जलपरी उससे कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तो इस बात को सोच के हमेशा डरती रहती थी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक मरमेड हूँ यानी कि एक जलपरी हूँ तो तुम मुझे हेट करने लगोगे। हर रात मैं यही सोचती थी कि जिस दिन जुंजे को ये सच्चाई पता चलेगी कि मैं एक लड़की नहीं हूँ मैं एक जलपरी हूँ, तो शायद उस दिन के बाद से जुंजे मुझसे बात ना करे और मुझसे हेट करने लगे। आगे जलपरी जुंजे से कहती है कि हर रात बस यही ख्याल मेरे मन में रहता था और ये मेरा सबसे डरावना सपना था कि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चले शायद कल को तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर जुंजे उससे कहता है कि मेरा सबसे डरावना सपना पता है कौन सा है? कि सब कुछ रिपीट होगा। तो इस पर जलपरी उससे पूछती है कि क्या रिपीट होगा? तो फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी को अपने साथ म्यूजियम ले जाता है और वहाँ पर वह जलपरी को दामरेंग का पोर्ट्रेट यानी कि वो जो पेंटिंग होती है दामरेंग की उसे दिखाता है। उस पोर्ट्रेट को देखने के बाद जलपरी जुंजे से कहती है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। इस पर जुंजे जलपरी से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ और हैंडसम भी दिखता हूँ। फिर वहाँ पर जलपरी पूछती है कि ये कौन है? तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि ये दामरेंग है और तुम्हें पता है इसकी स्टोरी, इसने भी एक जलपरी से प्यार किया था मेरी तरह। वो आगे कहता है कि वो भी उस मरमेड यानी कि जलपरी की आवाज़ सुनने लगा था। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे यहाँ पर जलपरी को पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि बचपन में एक लड़का होता है जो कि पानी में डूब रहा होता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि उसे एक छोटी जलपरी बचा लेती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उनका रोज़ आपस में मिलना होता है। फिर ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उस लड़के की एक लड़की से शादी हो रही होती है, तो फिर वो जलपरी से कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मेरी शादी किसी और से हो रही है। लेकिन होता क्या है, जिस रात उस लड़की की शादी होती है वो लड़का उस लड़की को छोड़ के आ जाता है जिससे उसकी शादी होती है जलपरी के पास, और वहाँ पर उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे जलपरी नहीं मिलती तो वो फिर से समुद्र में कूद जाता है ताकि जलपरी उसे बचाने के लिए आए। वहाँ पर जलपरी उसे आती है बचाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह उस लड़के की याददाश्त को मिटा देती है। वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अच्छे से रहे, इसलिए वो उसकी मेमोरीज को मिटा देती है, लेकिन कई बरसों बाद किस्मत उन्हें फिर से एक दूसरे के सामने ला कर खड़ा कर देती है, क्योंकि किस्मत चाहती थी कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़े। इसीलिए कई सालों बाद फिर से वो मरमेड और वो इंसान मिलते हैं और फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो लड़का टाउन हेड बन जाता है एक गांव का, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसी जलपरी को पकड़ा हुआ होता है उस गांव वालों ने, तो वो लड़का उस लोगों से उस जलपरी को आज़ाद कराता है और उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ देता है। फिर सिमचंग वहाँ पर जुंजे से पूछते कि आगे क्या हुआ कहानी में, जुंजे बताओ। फिर जुंजे सोचने लग जाता है कि इसे कैसे बताऊं कि उन दोनों को किस तरह से लोगों ने एक दूसरे से अलग कर दिया और उन दोनों की जान ले ली। तो फिर वो वहाँ पर जलपर यानी कि सिमचंग से झूठ बोल देता है जुंजे। फिर वो कहता है कि वो दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगे और फिर एक साथ वो दोनों बूढ़े हो गए और उसके बाद वो दोनों मर गए। ये सुनकर जलपरी जुंजे से सवाल करती है ये कैसी स्केरी ड्रीम हुआ फिर, ये तो कोई डरावना सपना नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों साथ रहे। उससे आगे जलपरी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही ओल्ड होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। फिर वहाँ पर आगे जुंजे जलपरी से कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुमने
तुम्हारी दिल की धड़कने मेरी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, लेकिन आजकल के टाइम में तो लवी डबी सब अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं ईजली, और यहाँ तक कि शादियों में डिवोर्स भी हो जाते हैं। जुंजे आगे कहता है कि लोगों की फीलिंग्स चेंज हो जाती है, इंसान चेंज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के मतलब जो प्यार वाली फीलिंग्स होती है एक दूसरे के लिए वो ख़त्म हो जाती है। जुंजे आगे जलप्रीत से कहता है कि तुमने कहा है कि तुम्हारी लाइफ मेरी फीलिंग्स पे डिपेंड है, तो फिर मुझे डर लगता है कि अगर कल को मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। इन बातों को सुनकर एकदम जलपरी जुंजे से कहती है कि ये तो काफ़ी अनफेयर है कि तुम मेरे दिल की आवाज़ सुन सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं सुन सकती। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह दोनों घर चले जाते हैं वहाँ से। फिर वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ यानी कि वो जो मेड है वो जुंजे की माँ है, तो फिर दिखाया जाता है कि वह किसी का फ़ोन ट्राई कर रही होती है, तो वो जो नंबर ट्राई कर रही होती है वो किसी और का नहीं होता बल्कि वह सेक्रेटरी किम की वाइफ का होता है, जिससे कि वो कॉन्टैक्ट में रहती थी और अपने बेटे जुंजे के बारे में उनसे पूछती रहती थी। तो वो काफ़ी बार उनका फ़ोन ट्राई करती है लेकिन उनका फ़ोन कोई भी नहीं उठाता है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि एक काली कार से कोई जुंजे की माँ को फॉलो कर रहा होता है, मतलब उसे देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ घर के बाहर ही बैठकर बात कर रही होती है, मतलब ट्राई कर रही होती है फ़ोन, तो फिर जब फ़ोन नहीं लगता है तो वो घर के अंदर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है जुंजे के घर में शाम के टाइम पे जलपरी जुंजे के पास आती है और उससे कहती है जुंजे से कि जुंजे आई नो जब से तुम्हें ये पता चला है कि तुम्हारी फीलिंग्स पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है, तुम काफ़ी परेशान और मतलब कुछ चेंज से हो गए हो, मैं ऐसा करती हूँ कि कल का जो दिन है तुम्हारी मेमोरीज़ में उसको इरेज कर देती हूँ, फिर सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये बात भूल जाओगे कि तुम्हारी फीलिंग्स पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है। तो वो कहती है जब तुम्हारी मेमोरीज़ इरेज हो जाएंगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे के पीछे भागती रहती है, मतलब उसे फोर्स करती रहती है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को इरेज कर देती हूँ, लेकिन जुंजे नहीं चाहता कि जलपरी उसकी मेमोरीज़ को इरेज करे, इसलिए जुंजे उससे भागता रहता है दूर। तो फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही जलपरी उसके पीछे भागती रहती है, तो वो घर में चारों तरफ ऐसे ही भागता रहता है जुंजे, ताकि जलपरी उसे पकड़ ना पाए और ना ही उसकी मेमोरीज़ को इरेज कर पाए। फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार क्या सीन है, दोनों लवी डबी ऐसे गेम की तरह खेल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पे। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे जलप्रीत से भागते भागते हॉल तक आ जाता है, तो वहीं पर दिखाया जाता है कि किचन में नामदो और तेहो दोनों बैठे हुए होते हैं, तो वो दोनों देखते रहते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों का गेम हो, ये लोग ऐसे खेल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहू को काफ़ी बुरा लगता है, मतलब ऐसे देखकर जुंजे और जलप्रीत को एक साथ देखकर, क्योंकि गाइस तेहू को भी थोड़ी सी मतलब क्रश कह लीजिए या फिर फीलिंग्स कह लीजिए जलप्रीत के लिए है, तो इसलिए वहाँ पर वो थोड़ा सा दुखी दिखाई देता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे और जलप्रीत को एक साथ देखकर वहाँ से तेहू फिर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जलप्रीत और जुंजे दोनों ही एक कमरे में आ जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे अपने बेड पर लेटा होता है और जलप्रीत मतलब अपने वाले ऊपर वाले रूम से ऐसे ही देखते रहती, तो वहाँ पर जुंजे जलप्रीत से कहना शुरू करता है कि मुझे सब पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे पता है कि तुम कह रही थी कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इतना हैंडसम भी नहीं है, मैं इसके लिए इतना टाइम मतलब स्विमिंग करके सॉल आई हूँ, और ये अपने आप को कुछ ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम समझता है, इससे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के हैं यहाँ पर। तो फिर इस बात पर जलप्रीत जुंजे से कहती है अरे वो तो मैं इसलिए बोल रही थी उस दिन क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी ना तुमसे, तुम मुझे मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे थे और मुझे वो ऐसे प्रॉमिस करने को बोल रहे थे। फिर आगे दिखाया जाता है कि जलप्रीत ऊपर से नीचे आ जाती है और आके जुंजे के पास कहती है कि ऐसा करते हैं मैं तुम्हारे दो दिन की मेमोरीज़ को इरेज कर देती हूँ, तो तुम सब कुछ ये भूल जाओगे, ये सारी बैड मेमोरीज़ को। तो इस पर जुंजे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, दूर रहो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो। वहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है, तो फिर वहाँ पर जलप्रीत कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी, तो फिर जुंजे उससे कहता है पक्का प्रॉमिस, तो फिर जलप्रीत कहती है हाँ पक्का प्रॉमिस। फिर जुंजे जलप्रीत से कहता है ठीक है तुम यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आकर सो जाओ। फिर दोनों को दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए प्यार से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो जो काली कार थी जो कि जुंजे की माँ को फॉलो कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी, पता चलता है कि वो कार और किसी की नहीं होती बल्कि वो जुंजे की सौतेली माँ की होती है, उनका ड्राइवर उसे फॉलो कर रहा होता है जुंजे की सौतेली माँ के कहने पर। तो फिर उसका ड्राइवर उसे बताता है कि वो मेड जुंजू के घर में काम करती है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ जुंजू को मिलने के बहाने से उसके घर में जाती है ताकि वो उस जुंजे की माँ को मतलब देख सके। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजू उसके वेलकम करती है, फिर जुंजू अपनी मेड से यानी कि जुंजू
कहती है कि दो कॉफ़ी लेके आओ, गेस्ट आए हैं। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की असली माँ यहाँ पे जो मेड है वो कॉफ़ी लेके आती है, लेकिन जब वो वहाँ पे उसे देखती है अपनी मतलब सौतन को तो एकदम से थोड़ी शॉक होती है, बट वो वहाँ कॉफ़ी सर्व करके जाने ही वाली होती है तो एकदम से उसकी सौतन उससे कहती है, जुंजे की सौतेली माँ, कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ से काम छोड़ रही हो, मतलब काम छोड़ के जाने वाली हो, अगर तुम यहाँ से काम छोड़ रही हो तो तुम मेरे घर पर आ जाओ, वहाँ पर मेरा काम करना शुरू कर दो। तो इस पर जुंजे की माँ उससे कहती है, अच्छा तो तुम मुझे अपना घर का किचन दे सकती हो लेकिन मास्टर बेडरूम नहीं। चाचा की भाभी एकदम से ये बात सुन के ही शॉक हो जाती है और उठ जाती है और एकदम उससे कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। फिर वहाँ पर जुंजे की माँ चाचा की भाभी से कहती है कि आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी ना कि एक चुड़ैल औरत, यानी कि वो वहाँ पर उसे बुरा बोलती रहती है, उसने अपनी फ्रेंड के पति पर को फंसा लिया और अपनी फ्रेंड को ही उसके घर से निकाल दिया और आपको नहीं पता कि उसकी ओरिजिनल वाइफ इस समय कहाँ पर है, तो उसकी ओरिजिनल वाइफ और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो लेडीज जिसने मेरे पति को फंसाया है, इस औरत ने ही। और वो आगे कहती है, यही वो कमीनी औरत है जिसने मुझसे मेरे पति को छीना है। ये सारी बातें सुनकर चाचा की भाभी एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। फिर वहीं पर जुंजे की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी चुप रहूँगी, नहीं मैं अब चुप नहीं रहूँगी, मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बेटे जुंजे की लाइफ सही रहेगी और वो अच्छे से रह पाएगा, लेकिन जब अब मेरा बेटा जुंजे ही नहीं है यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी। इस तरह से जुंजे की माँ अपनी सौतन यानी कि जुंजे की सौतेली माँ की काफ़ी इंसल्ट करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि इतनी इंसल्ट होने के बाद जुंजे की सौतेली माँ वहाँ से बाहर चली जाती है, मतलब कि चाचा के घर से वापस आ जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि चासिया की भाभी अपनी सारे फ्रेंड्स को कॉल करके ये सारी मतलब जो घटना हुई थी ये सभी को बता रही होती कि आज उसके घर में क्या हुआ है और किस तरह से मतलब जो मेड है वो मेड नहीं है बल्कि वो ओरिजिनल वाइफ है जो कि रियल इस्टेट के किंग है और जो उसकी फेक वाइफ है उसकी काफ़ी आज इंसल्ट की गई है। फिर वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे के घर में पुलिस और जुंजे नामदो सभी लोग बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये काउंजुन कौन है, मतलब कि वो यह औरत कौन है, इसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नामदो सभी को बताता है कि मैंने इस औरत की फैमिली हिस्ट्री को चेक किया है तो मुझे पता चला है कि ये औरत भी एक ऑर्फन से है और सबसे अजीब बात ये है कि जिस लोगों ने मतलब जिस फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था वो भी एकदम से अचानक से गायब हो गए, उनके बारे में भी किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर वहीं पर आगे पुलिस भी बताती है कि इस औरत की दो बार शादी हो चुकी है और उसके दोनों पति मर चुके हैं। एकदम से नामदो कहता है एक और बात है जो कि काफ़ी वियर्ड और अजीब है, वो फिर कहता है जुंजे तुमने कहा था ना जब अपनी माँ को ढूंढने के लिए मुझसे, तो फिर मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए सब जगह सर्च कर रहा था तो उसी समय पे मैंने इसका सर्च किया है तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि जिस हाई स्कूल में तुम्हारी माँ पढ़ी है उसी में ये भी पढ़ी है और हो सकता है कि यह औरत तुम्हारी मदर की यानी कि तुम्हारी माँ की क्लासमेट हो। फिर वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चासिया के घर में चासिया की भाभी मेड यानी कि जुंजे की असली माँ को ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उसे लेके आती है, कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए मैं बिल्कुल आपकी साइड हूँ, मैं आपको आपकी पोजीशन आपके हक दिलाने में आपकी बिल्कुल मदद करूँगी। भाभी आगे कहते हैं कि आप मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, हम दोनों मिलकर उस कांगसुइंग को मजा चखाएंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि चासिया की भाभी अंदर जाती है चासिया के पास और उससे जाके कहती है चासिया तुम्हें पता था ना हमारी मेड की सच्चाई, इसीलिए तुम दो दिन के साथ उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही थी। यह बात सुनकर चासिया कहती है कि कौन सी सच्चाई, आप किस बारे में बात कर रही है भाभी। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया की भाभी चासिया से कहती है कि तुम क्यों नाटक कर रही हो, तुम्हें पहले से ही पता था ना जो हमारी ये मेड है ये और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन हु की फर्स्ट वाइफ है, मतलब उनकी ओरिजिनल और लीगल वाइफ है। यह बात सुनकर चासिया को एक और शौक लगता है क्योंकि पहले सिर्फ उसे ये पता था कि ये जो हमारी मेड है ये जुंजे की माँ है, लेकिन अब उसे पता चला है कि ये मेड जुंजे की माँ है और ये वाइफ है चेयरमैन हु की, इसका मतलब है कि जुंजे मिस्टर हु का बेटा है। इस बात को सोचकर चासिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो इतनी परेशान और इतनी टेंशन में होती है कि वो रात को ड्रिंक करने जाती है। चासिया इतनी ज़्यादा पी लेती है मतलब इतनी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है कि वो अपने आप घर नहीं जा पाती, तो वो कॉल कर तेहो को वहाँ पर बुला लेती है। जब चासिया तेहो को कॉल करती है तो तेहो उस समय पे अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा होता है, तो जैसे उसका कॉल आता है तो वो झट से फ़ोन उठा लेता है। तो इस पर एकदम चासिया उससे कहती है
अच्छा तो तुम मेरे फ़ोन का वेट कर रहे थे क्या? तो देहो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो गेम खोल रहा था इसलिए तुम्हारा कॉल आया तो मैंने तुरंत पिक कर लिया क्योंकि मेरे हाथ में ही मेरा सेल फ़ोन था। फिर दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर उसे कहते हैं कि मुझे लेने आ जाओ। फिर आगे दिखाया जाता है कि तेहो उसे लेने के लिए जा रहा होता है तो तभी नामदो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पर तेहो नामदो से कहता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ चासिया को पिक करने। तो वहाँ पर नामदो कहता है रुको मैं भी चलता हूँ। नामदो वहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ होती है और फ्रेश वाटर भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर मतलब माहौल अच्छा होगा, क्लब में काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी और मतलब इन्जॉयमेंट का मोमेंट सा होगा। तो ये सारी बातें पीछे से जलपरी सुन लेती है। जलपरी को लगता है कि वहाँ पर सच्ची में मछलियाँ होगी खाने के लिए और साफ पानी होगा। तो एकदम से जलपरी भी उन लोगों से कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि नामदो जलपरी और तीहो तीनों ही मिलकर क्लब के लिए चले जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि वह तीनों ही क्लब पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद चासिया को देखती है ड्रिंक करते हुए जलपरी। तो वह जलपरी से कहती है चासिया तुम इतनी अच्छी जगह पर अकेले आती हो और मतलब ऐसे इतना ज़्यादा ड्रिंक करती हो, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वहां पर उसे बताने लगते हैं कि जुंजे जब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट सब प्रिटेंड करने लग जाता है। तो इस बात पर एकदम नामदो कहता है अरे ऐसा नहीं है, जब चासिया ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है ना तो ये लोगों को कॉल करके फ़ोन पर रोना शुरू कर देती है। तभी दिखाया जाता है कि चासिया एकदम गुस्से से नामदो को देखने लग जाती है। जब वो नामदो को इतने गुस्से से देखती है तो नामदो वहाँ से चला जाता है और डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग डांस फ्लोर पर डांस करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। फिर वहीं पर आगे दिखाया जाता है कि हुजुंजे घर वापस आता है लेकिन वह देखता है कि घर पर कोई नहीं है। तो फिर वो नामदो को कॉल मिलाता है। जब वह नामदो को कॉल मिलाता है तो नामदो फ़ोन पिक करता है और वो उसे कहता है अरे डिटेक्टिव जुंजे आप आ गए। तो फिर वो वहाँ पर उससे नामदो से पूछता है कि सब लोग कहाँ पर है, घर पर कोई भी नहीं है और जलपरी कहाँ है। तो इस पर उससे वो कहता है नामदो कि हम सभी लोग क्लब में और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो वो कहता है अरे तुम लोग जलपरी को भी क्लब ले गए, उसे नहीं ले जाना था उसे वहाँ पर। जुंजे नामदो से कहता है कि तुम लोग सिमचन को भी अपने साथ ले गए, यानी कि जलपरी को भी अपने साथ ले गए। अरे यार उसे क्यों ले गए, उसे वहाँ पर चक्कर आ जाएंगे। तो वहाँ पर नामदो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही है। फिर आगे दिखाया जाता है कि कुछ टाइम में जुंजे भी वहाँ पर आ जाता है क्लब में और वो देखता है कि जलपरी काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह कर रही है मतलब। तो फिर वो वहाँ से जलपरी को ले जाने लगता है। जब वह जलपरी को वहाँ से ले जाता है तो तेहो को काफ़ी अजीब मतलब कह लीजिए कि उसे काफ़ी बुरा लगता है तो वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे उसे लेके बाहर आ जाता है। जब वह बाहर आ जाता है तो दिखाया जाता है कि बारिश होने शुरू हो जाती है। तो वो दोनों साइड में खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जलपरी जुंजे से कहते हैं कि ये एक चीज़ है जिसे हम दोनों साथ में इंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ पानी में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जुंजे जलपरी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दोनों एक साथ इंजॉय नहीं कर सकते, तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजू जब वापस आता है तो वो एक छाता लेके आता है और काफ़ी बड़े वाले बूट लेके आता है। फिर दिखाया जाता है कि वो जलपरी को उन बूट्स को पहना देता है ताकि पानी में जाने से जलपरी अपने असली रूप में ना आए, यानी कि उसकी पैर की जगह उसकी टेल ना आ जाए, इसलिए वह उन शूज़ को उसे पहना देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह बूट्स पहन के और अम्ब्रेला के साथ वह दोनों काफ़ी प्यार से एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मतलब एक रोमांटिक कपल की तरह लवी डवी की तरह दोनों एक साथ घर के लिए वापस चले जाते हैं। ये सीन काफ़ी रोमांटिक लगता है, बारिश और ऊपर से एकदम से बारिश होना और दोनों का एक साथ होना। लिमिनो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। गाइस आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इस सीन में। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जलपरी यूना से मिलने के लिए उस कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहाँ पर वो लोग मिलते हैं। तो वहीं पर उसकी वो बैगर फ्रेंड भी आ जाती है जलपरी की। फिर दिखाया जाता है कि वो तीनों बैठकर वहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं मतलब स्नैक वगैरह। तभी वहाँ पर जलपरी कहते हैं कि कल मैं अपनी बर्थडे पार्टी देने वाली हूँ। इस पर वो छोटी बच्ची पूछती है कि कल है आपका बर्थडे आंटी? तो फिर वो एकदम से कहती है नहीं मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे कब है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करूँ, इसलिए मैं कल अपनी बर्थडे पार्टी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जलपरी भी वहाँ पर आगे पूछती है कि कल कौन सी डेट है। तो इस पर वो छोटी बच्ची कहती है कि कल 5 जनवरी है। तो फिर जलपरी कहती है ठीक है कल मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी होगी तो तुम दोनों कल मेरे घर पर पहुँच जाना मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। तो वहाँ पर बेगर फ्रेंड कहती है कि मैं वैसे कभी किसी के घर नहीं जाती लेकिन तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो इसलिए मैं कल जरूर आऊँगी तुम्हारे घर पर। फिर वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजी की माँ सेक्रेटरी किम की वाइफ
को कॉल ट्राई कर रही होती है, तो वह कॉल को पिक कर लेती है और फिर वहाँ पर उन दोनों की बातें होती है। तो वहाँ पर जुंजे की माँ से वो कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको ये सच्चाई नहीं बताई कि आपका बेटे हुजुंजे का 10 साल पहले ही, मतलब जब आप गए थे उसी के थोड़े दिन बाद ही घर छोड़कर भाग गया था। वह कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, इसलिए मुझे आपसे ये बात छुपानी पड़ी। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ उनसे पूछती है कि क्या आपको मेरे बेटे के बारे में कुछ पता है, क्या आपको पता है जुंजे कहाँ पर है। तो इस पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो वहाँ पर सेक्रेटरी किम की बात कर रही होती है, कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो हॉस्पिटलाइज है। और यहाँ पर जुंजे उनसे मिलने के लिए आता रहता है, जुंजे काफ़ी अच्छा है और वो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ उनसे कहती है कि क्या आपके पास जुंजे का कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो इस पर वो कहती है हाँ मेरे पास है, आप रुकिए मैं अभी ऊपर जाकर आपको जुंजे का कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ। तो वहीं पर दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर वेट कर रही होती है और वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए गई होती है। तो दिखाया जाता है कि जब वो अपने मतलब उस रूम से, हॉस्पिटल रूम से बाहर आ जाती है, तो तभी वहाँ पर चिहुन आ जाता है। चिहुन आता है सेक्रेटरी किम के पास और उनके पास जाकर कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी इस हालत और मतलब आपके इस एक्सीडेंट के पीछे मादया और मेरी माँ का हाथ है। जैसे वो इस तरह से बात करता है, मतलब बोलता है, तो एकदम से सेक्रेटरी किम की आँखें बड़ी हो जाती है, मतलब डर के मारे या फिर कह लीजिए वो थोड़ा स्केयर्ड हो जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन उनके ऑक्सीजन का जो सप्लाई होती है, जो भी होती है, उस मास्क को हटा देता है और उसे बंद कर देता है, ताकि वहाँ पर साफ दिखाई देता है कि चिहुन काफ़ी चेंज हो गया और उन्हें मारना चाहता है अपनी माँ को सेव करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर मादी आ जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है और उसकी ऑक्सीजन को, और फिर वो वहाँ पर चिहुन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुमने एकदम से इसे बंद कर दिया, पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे ऑक्सीजन बंद करने से एकदम अलार्म बजता है जिसकी वजह से नर्स और डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि वे लोग बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पर महादेव चिहुन से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ कर रही है ना तुम्हारे लिए सब कुछ, वो सेटल कर रही है ना, तो तुम्हें कोई भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर दिखाया जाता है कि चिहुन उसे सवाल करता है कि तुम कौन हो, क्या तुम महादेव हो? तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ महादेव। वो उसे कहता है कि तुम अपना दिमाग मत चलाओ और हमें अपना काम करने दो, हम लोग सब कुछ सेटल कर देंगे। फिर वहीं पर आगे दिखाया जाता है कि जब सेक्रेटरी की वाइफ ऊपर वापस आती है रूम में, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हड़बड़ाहट काफ़ी चहल पहल हो जाती है, मतलब भीड़, डॉक्टर्स वगैरह, नर्स, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ आ जाता है हॉस्पिटल का। तो वो एकदम आइडिया लगा लेती है कि शायद उसके हस्बैंड को कुछ हो गया है। तो वो एकदम अंदर जाती है, देखते कि डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं, उनकी हस्बैंड की सांसें मतलब कम हो रही होती है, मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है ऑक्सीजन लेने में। फिर इतना सब कुछ वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है, तो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसके हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, तो वो वहाँ पर रोने लग जाती है। वहीं हमें जुंजे के घर में दिखाया जाता है कि जलपरी काफ़ी खुश होती है क्योंकि कल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तो वहाँ पर वह जुंजे की माँ, यानी कि जो जुंजे की असली माँ है, वो उन्हें भी फ़ोन कर अपने बर्थडे के लिए इन्वाइट करती है कि मेरा बर्थडे है कल, तो आप कल मेरे घर पर आना। तो दिखाया जाता है वहाँ पे कि पहले जुंजे की माँ मना करती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। लेकिन जब जलपरी काफ़ी इंसिस्ट करती है और फिर जुंजे की माँ को पता चलता है कि इसके पेरेंट्स नहीं है, तो फिर वो उससे कहती है ठीक है मैं कल आ जाऊँगी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सभी लोग मिलकर जलपरी के बर्थडे की पार्टी की तैयारियां कर रहे थे और वहाँ पे यूना मतलब वो छोटी बच्ची और वो बेगर फ्रेंड भी आ जाती है। सभी लोग तैयारियां कर रहे होते हैं और जुंजे जलपरी के लिए फ्लावर्स और गिफ्ट लेने के लिए बाहर गया हुआ होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे की माँ को पिक करने के लिए बाहर आई हुई होती है, तो वहीं पर दिखाया जाता है कि जुंजे भी उस साइड पर ही होता है, मतलब एक साइड पर रोड पे हुजुंजे हो जाता है और दूसरी साइड पे हुजुंजे की माँ और जलपरी होते हैं। तो हुजुंजे उसे देख लेता है जलपरी को कि वो किसी के साथ आ रही है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों रेड लाइट पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जलपरी, हुजुंजे और जुंजे की माँ। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब जलपरी को हुजुंजे दिखाई देता है तो वहाँ से हाथ हिलाना शुरू कर देती है और आवाज़ देना शुरू कर देती है, हुजुंजे, हुजुंजे, मैं इस साइड हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही हुजुंजे की माँ यह नाम सुनती है, वो एकदम थोड़ी शॉक होती है और फिर एकदम जलपरी से पूछती है कि क्या नाम ले रही हो तुम, क्या बोल रही हो? तो वो कहती है हुजुंजे ये मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है और वो जो आ रहा है सामने से वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इस पर जुंजे की माँ जलपरी से कहते हैं मेरे भी बेटे का नाम हुजुंजे था। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुंजे की माँ एकदम इमोशनल हो जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी एकदम से नाम लेती है हरकुलस लाइट हाउस, वो स्टोरी।
वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी उसे वो हुजुंजे की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है, जो कि स्पेन में हुजुंजे ने उसे बताया था कि उसकी माँ कहती थी कि वो बहुत क्यूट था जब वो 10 साल का था, और जैसे वो चलता था इतना क्यूट था कि लोग उसे, सभी लोग उसे अपने पास और अपनी गोदी में उठा लेते थे। फिर उसकी माँ को एकदम याद आता है कि ये तो वही स्टोरी जो मैं अपने बेटे को बताया करती थी, मतलब ऐसे। या फिर वो वहाँ पर उस लाइट हाउस की हरकुलिस की स्टोरी भी बताती है कि कहा जाता है कि जो लोग वहाँ पर बिछड़ते हैं वो लोग ज़रूर मिलते हैं। मतलब इस तरह से जलपरी बताती रहती है कि जुंजे की माँ उसे ऐसे कहानियाँ सुनाया करती थी, और ये बातें सारी जुंजे की माँ यानी कि वो मेड सुन रही होती है। इन सब से वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हुजुंजे की माँ ये है, तो यहाँ पर जलपरी को भी पता चल जाता है कि ये हुजुंजे की माँ है। तभी दिखाया जाता है कि हुजुंजे सामने से आ रहा होता है फ्लावर वगैरह लेकर जुंजे के जलपरी के पास ही। तो जब ही जलपरी अपने मन में सोचती है, हुजुंजे कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आज तुम अपनी माँ से मिलोगे, तुम्हारी माँ मिल गई है, और वो जो लाइट हाउस की स्टोरी है वो सच हो गई है। ये सारी बातें हुजुंजे रोड के दूसरे साइड पर सुन लेता है, जिससे कि हुजुंजे को पता चल जाता है कि जो लेडीज़ जलपरी के साथ वहाँ पर खड़ी हुई है रोड के दूसरी साइड, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। गाइस, इसी के साथ हमारा ये 15 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में हमें पता चल गया है कि हुजुंजे की माँ कौन है, और हुजुंजे को भी पता चल गया है कि उसकी माँ कौन है। यानी कि इस एपिसोड में पता चल गया कि माँ बेटे को दोनों के बारे में। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा आगे कहानी में, और जिस तरह से हमने अभी देखा चीहुन काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब कि बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह एकदम विलन बन गया है, देखते कि आगे वो क्या क्या करता है। और गाइज, आगे की कहानी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के ड्रामा म्यूजिक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।